ओके रेडी रोल कैमरा एक्शन. वेलकम फ्रेंड्स. जानते होंगे कौन है, बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूं और दिखाने वाला हूं कि बाहुबली की शूटिंग कहां हुई थी, एयरपोर्ट कैसे होते हैं और रेलवे स्टेशन कैसा होता है, कि फिल्म में जो शूटिंग होती है रेलवे स्टेशन की कैसे शूटिंग होती है, एयरपोर्ट की कैसे शूटिंग होती है, वो कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है जहां आज तक कोई फ्लाइट ही लैंड नहीं की. ले इधर आया तो मथुरा जंक्शन पहुंच गए भाई. ये तो मथुरा जंक्शन. और इधर ले अहमदाबाद जंक्शन. Welcome to shooting stage. Now you all are inside the shooting theater. Today you all are going to experience live movie making process show. आज आप सभी लोग live देखेंगे movie कैसे बनाते हैं. दोस्तों तो हम पहुंच चुके हैं जहां पे बाहुबली पिक्चर की शूटिंग हुई थी. आप देख रहे हैं ये वही किला है और ये वही गेट है. आपको देख के याद आएगा जिसको इसको ऊपर उठाया जाता था ऐसे वहां से. और ये देखिए पानी चारों तरफ. ये इसके बारे में आपको जानकारी होगा. ये वही रथ है. देख रहे हैं दोस्तों कितने तीर लगाए गए हैं. गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. दोस्तों मैं हूं रौनक और आज मैं हूं फिल्म सिटी में, हैदराबाद में. तो हैदराबाद फिल्म सिटी की लगभग पूरी जानकारी दूंगा मैं आपको कि फिल्म सिटी कैसे आए और यहां पे क्या घूमे, कैसे घूमे, कितने का टिकट है. तैयार हो चुके हैं और हम दीपक भैया के घर में हैं, उनसे अब हम लोग निकल रहे हैं हैदराबाद घूमने के लिए. तो हैदराबाद में कहाँ जाएंगे ये तो आपको मैं बताता हूँ. और बहुत ही खूबसूरत जगह जा रहे हैं. तो आज हैदराबाद में हमें फिल्म सिटी जाने का प्लान है, जो कि भारत का सबसे नंबर वन फिल्म सिटी माना जाता है. मुंबई से भी बड़ा है, इतना बड़ा फिल्म सिटी कहीं नहीं है. तो चलिए आज फिल्म सिटी के बारे में मैं बताता हूँ आपको और फिल्म सिटी में आज आपको घुमाता हूँ. तो दोस्तों सुबह का ब्रेकफास्ट हो रहा है, मौसी भी और दीदी भी हैं. तो हम सभी लोग निकल रहे हैं अब फिल्म सिटी के लिए. एक बार बोलिए शंकर भगवान की जय. तो दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं, हमारे साथ एक और नए मेंबर जुड़ चुकी हैं, बिंदु दीदी हैं और मौसी भी हैं, देख सकते हैं पीछे में बैक सीट पे. तो
और यहाँ पहुँचते हैं, कुछ लोग वीडियो वगैरह फोटो बनाने में लग गए हैं। ये देखिए, ये फिल्म सिटी का काउंटर टिकट है, यहाँ से हम जा रहे हैं अभी टिकट लेने के लिए। यहाँ से टिकट लेने के बाद फिर हमारी एंट्री होगी। तो मैं लाइन में लगा हूँ टिकट लेने के लिए, यहाँ से काउंटर टिकट मिलेगा। इधर का है 1350 रुपये प्लस टैक्सेस है, और बच्चों का है 1150 प्लस टैक्सेस। भैया कार्ड से भी पेमेंट हो जाता है ना? कार्ड से पे, फोन वगैरह से? फोन पे, ओके। कार्ड ओनली, कार्ड एंड कैश। हमने टिकट ले लिया है, चार टिकट लिया है। एक टिकट का जो कॉस्ट आती है 1563 रुपये, और अब हम लोग निकल रहे हैं फिल्म सिटी। यहाँ की जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ कि बाहुबली की शूटिंग कहाँ हुई थी, एयरपोर्ट कैसे होते हैं, और रेलवे स्टेशन कैसा होता है, कि फिल्म में जो शूटिंग होती है रेलवे स्टेशन की कैसे शूटिंग होती है, एयरपोर्ट की कैसे शूटिंग होती है, वो कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है जहाँ आज तक कोई फ्लाइट ही लैंड नहीं की। ये है सामने में बस जो हमें लेके जाएगी। ये बस कहाँ तक लेके जाती है? अच्छा, अंदर। पहली बार हमने हाय हेलो किया तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, चलो दोबारा हो गया, कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए, हमारे कुछ मित्रगण भी मिल गए यहाँ पे, जो नागौर से, राजस्थान से, ये लोग भी आए हैं फिल्म सिटी घूमने के लिए। हाँ, या प्री वेडिंग बनाने के लिए आए हुए थे। हाँ, ये हमारे कपल है। हाँ, इनका प्री वेडिंग शूट होगा या दामोदर सिटी के अंदर। रिकॉर्डिंग हुआ। तो देखिए, ये लोग राजस्थान से आए हैं प्री वेडिंग शूट करने के लिए। पीछे देखा आपने, कपल्स भी हैं, तो बड़ा ही मजा आने वाला है आज के सफर में। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बड़ा ही मजा आएगा आपको, और पूरी जानकारी मिलेगी आपको फिल्म सिटी की। और हमारे स्टूडियो का नाम है रॉयल फोटोग्राफी नागौर। बस से उतरने के बाद यहाँ जाना है क्या? हाँ, ये जाना है। क्या है इसमें? वो स्पेस ही आते हैं सर, स्पेस रामोजी मूवी मैजिक में। अब क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अभिषेक उपे। अभिषेक, मुझे बताएंगे कि मूवी मैजिक में क्या है? क्या है मूवी मैजिक के अंदर? एक्शन थिएटर, फिल्मी दुनिया और स्पेस यात्रा है। ये 45 मिनट्स का शो रहेगा, आपको 45 मिनट्स के बाद आगे का इंटर। अच्छा, तो हम लोग इंटर कर रहे हैं मूवी मैजिक में। चलिए पहले चलते हैं रामा जी सैलून। रामा जी सैलून में क्या है भैया, देखो जरा। अरे ये तो मैं भी देख रहा हूँ, बंद है। ये स्टैचू देख के कुछ याद आया दोस्तों आपको, क्या है ये? चलिए अब आगे बढ़ते, आगे और भी कुछ दिखाता हूँ मैं आपको। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। Welcome friends, it happened one time in a dark hall, the light flickered. हम पहुंचे हैं मूवी नाइट, मूवी मैजिक के अंदर, और यहाँ पे दिखाते हैं हम आपको क्या हो रहा है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू शूटिंग स्टेज। आज आप सभी लोग लाइव देखेंगे मूवी कैसे बनाते हैं। थ्री, आई नीड थ्री फीमेल आर्टिस्ट, दे मस्ट गो 18 एंड अबव। ओके, रेडी आप लोग? प्लीज नाउ गो इनसाइड द स्टार रूम एंड चेंज योर ड्रेस। काली होनी चाहिए हमारे स्टार से। प्लीज आप इधर बैठिए, आइए मैम, आराम से बैठिएगा। ओके, आप भी रेडी हो मैम? ओके, रेडी है। आप लोग का रोल ये है, यू गाइस आर बैंक रॉबर्स, आप लोग 2 करोड़ लेके अभी भागने वाले हैं, ठीक। जब इंस्पेक्टर आते हैं थोड़ा एक्सप्रेशन थोड़ी डरने वाली होती है कि नहीं? गाड़ी तेज चलानी है, हंसना नहीं है। ओके, रेडी, रोल कैमरा, एक्शन, मूव योर बाइक स्लोली, स्विंग योर बाइक, राइट लेफ्ट स्विंग कीजिए और नॉर्मली चलाइए। यस, इतना भी नहीं, यस परफेक्ट, रेस करते रहना। यस, स्पीड बढ़ाइए मैडम, चलाइए, परफेक्ट, पूरा आप रास्ते पे गाड़ी चला रहे अभी, रेस स्पीड एक्सेलेरेटर यूज कीजिए, राइट साइड से बाइक का स्पीड बढ़ाइए, यस परफेक्ट। इंस्पेक्टर बहुत नजदीक, एक बार पीछे देखिए, झट से लुक बैक एंड सामने देखिए, इतना बार बार पीछे मत। मैम ऐसे क्यों लग रहे हैं, आप लोग शॉपिंग के लिए जा रहे हो? रेस करते रहिए, यस परफेक्ट, नहीं आराम से देख रही हो मैम इंस्पेक्टर जी को, रेस करते रहिए, परफेक्ट, बहुत अच्छे कर रहे हैं, 2 करोड़ के साथ इतनी परफेक्ट। अभी और पीछे नहीं देखना, अभी मेहनत से गाड़ी को आगे तेज बढ़ाए। सो ऑडियंस, इज अ ग्रीन मैट, दैट इज कॉल्ड क्रोमा मैट, विद दिस एफएफ वी कैन चेंज द बैकग्राउंड, लेट्स सी। ओह माय गॉड, दे वेंट टू इंटरनेशनल एयरपोर्ट मलेशिया, वो भी 2 करोड़ के साथ, कांग्रेचुलेशन स्टार्स, आप लोग मलेशिया घूम रहे हैं अभी,
दो करोड़ के साथ बस उसके कर रहे हैं, काफी अच्छा स्टंट करते हैं आप लोग, कीप गोइंग, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे। तो गाइस हम चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, अभी हम आ चुके हैं दूसरे भाग देखने के लिए, जो पहला आपने देखा उसमें कुछ मिसिंग था, तो इसमें दिखाने वाले क्या मिसिंग है, इसमें हम आपको वही दिखाने की चीज कर रहे हैं कि शूटिंग कैसे होती है, कैसे लोग रोड पे बाइक चलाते हैं। आवाज की दुनिया में, सो आर यू गाइस गोइंग टू वॉच मूवी विदाउट साउंड, या आप लोग बिना साउंड के मूवी देखेंगे? इट्स जस्ट अ प्लास्टिक पेपर एंड आई एम गोइंग टू यूज स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड। एक बार ताली होनी चाहिए जिन लोगों ने इसको पहचाना। इस विंड हवा, आप सभी को तो पता है 12 महीने बारिश नहीं रहती है, एक डेमो दिखाना जरूरी है आप सभी के लिए। सो नाउ आई नीड 3 टेक्नीशियन फ्रॉम, सो आज आप सभी लोग लाइव देखेंगे साउंड इफेक्ट कैसे ऐड करते हैं मूवी में। एक्चुअली शुरू बाद आप करोगे, उसके बाद आप करेंगे, फिर आप, ओके बी रेडी। यस मैम, पंच। मिक्सी ऐड कीजिए एट द व्हील, आप अभी बस मूवी को देखिए, हवा ऐड करो एट द व्हील। Yes, keep going. So, ये जो आप लोग प्रोसेस देख रहे हैं ये लगान मूवी तक अप्लाई करते थे, वी आर अप्लाइंग दिस प्रोसेस टू लगान मूवी, नाउ वी आर नॉट अप्लाइंग दिस प्रोसेस, आजकल टेक्नोलॉजी के साथ हम भी आगे बढ़ सकते हैं। रेडी रहिए मैम, वन टू थ्री गो, पंच। थैंक यू सो मच, अभी आप पिस्तौल को उठाइए, अभी गोली नहीं चलाना मैम, गोली जिम्मेदारी है इसमें। Now situation is going to be critical. अभी मामला थोड़ी गंभीर होने वाले, because एक ही गोली है, अभी एक गोली किस पे भारी पड़ने वाले, आप सब रेडी रहिए, दिल थाम के बैठिए, बहुत अच्छे कर रहे हो, फिर कोई डोंट स्टॉप, पोजिशन ले लीजिए मैम, गोली अभी मत चलाइएगा, ओके आई विल गिव यू कमांड, डोंट वरी, जोर से मारना, ओके बी रेडी। Ready position. Shoot. क्या सही गोली चलाई, बहुत ही कमाल की और टाइमिंग भी बहुत अच्छी चल रही। Actually sir and ma'am, we can't give you payment right now because movies के लिए अंदर process, we can pay you later, we can have our respective say. दोस्तों अभी देखना ये है क्लाइमेक्स क्या होने वाला है, आप लोग रेडी हो उसके लिए, आइए आराम से चलिए नेक्स्ट स्टेज। अभी तो आपने देखा कि कैसे आवाज़ इफेक्ट कैसे डालते हैं साउंड का इफेक्ट, और उसके पहले आपने देखा कि जो शूटिंग कैसे होती है, मूवी कैसे बनती है, अब देखते हैं पूरी मूवी दिखाते हैं। तो दोस्तों ये देखना है, ये है अभी मूवी बॉक्स ऑफिस में कितना धूम मचाने वाले हैं, और आप सभी लोग उसी कहानी को कितना प्यार देने वाले, आवाज के साथ देखिए। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि पिक्चर में साउंड इफेक्ट कैसे डालते हैं, सिनेमा की एडिटिंग कैसे होती है, और कैसे बाइक और जो एक्शन होता है वो कैसे होता है। तो दोस्तों हम लोग वर्ल्ड टूर करने के लिए तैयार हैं और निकल रहे हैं वर्ल्ड टूर के। इसके अंदर में पूरा वर्ल्ड देखने को आपको मिलेगा, देखिए किस तरीके से हम लोग एक के बाद एक पूरी दुनिया की आप इसमें सैर कर पाएंगे।
दोस्तों जितने भी स्टैचू दिख रहे हैं ये लोग, ये स्टैचू बनाया हुआ है, ये कोई इंसान नहीं खड़ा है, लेकिन बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है, आप देख सकते हैं, और हारमोनियम बजा रहा है। हम लोग पहुँच गए दोस्तों बर्फों की दुनिया में, देखिए कितना बर्फ ही बर्फ है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है केवल। तो हम लोग कहाँ पहुँच गए आपके स्टैचू देख के समझ में आ गया होगा आपको, लिबर्टी ऑफ स्टैचू। बड़ा ही मज़ा आ रहा है दोस्तों यहाँ पे घूम के, एक बार आपको भी ज़रूर आना चाहिए यहाँ देखने के लिए कैसे शूटिंग होती है, कैसे क्या होता है, हर चीज़ दिखाया जाएगा आपको यहाँ। आगे अभी और भी मज़ा आने वाला है दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, सच में बहुत मज़ा आ रहा है। दोस्तों आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत प्रतिमाएं बनाई गई हैं, जितना भी हिलते डुलते दिख रहा है आपको, ये सारी मूर्तियां हैं, ये कोई सजीव बस प्राणी नहीं है, लेकिन कितना खूबसूरत है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि बिल्कुल लगता है कि सब में प्राण है और सब लोग नाच गा रहे हैं इस तरीके का, यही है फिल्मी दुनिया। अब हम लोग पहुंच गए, देख सकते हैं दोस्तों आपको देख के कुछ कुछ समझ में आ रहा है हम लोग कहाँ पहुंच रहे हैं, कहाँ बताइए बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी, नहीं समझ में आया, ये देखिए दुनिया का सबसे खूबसूरत, जिसको प्यार की निशानी बोलती है, ताजमहल, जहाँ सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। अभी आगे तो बहुत सी चीजें हैं जो आपको देखने को मिलेगी, देखिए यहाँ पे शादी हो रही है, स्वागत में खड़ी हैं हमारे, थैंक यू, बहुत ही अच्छा लगा आप लोग स्वागत किए, और ये देखिए यहाँ पे दूल्हा दुल्हन की शादी हो रही है, और इधर देखिए नाच गाना भी हो रहा है, सब कुछ यहाँ पे हो रहा है। लोग यहाँ आए हैं, यहाँ पे देखिए थोड़ा फोटो शूटिंग होगा, जितने आपने थीम देखे बड़ा ही खूबसूरत यहाँ पे बनाया हुआ है, और यहीं पे फोटो शूटिंग होने के बाद फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए थीम बने हुए हैं सब चीज की, और यहाँ पे आप जैसे ताजमहल हो गया, और यहाँ पे आप फोटो शूट करा सकते हैं। ये देखिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी, दोस्तों यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ये हम लोग महल के गेट पे हैं, और ये ऊपर एकदम बिल्कुल महल तक जाने का रास्ता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये थीम बनाए गए हैं, ऐसा लग रहा है कोई महल नहीं है यहाँ पे, कोई रास्ता नहीं है, सब थीम बनाया हुआ है, यही है फिल्मी दुनिया। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, एक ऐसा एयरपोर्ट है यहाँ पे जिसपे आज तक फ्लाइट लैंड नहीं की, और बिना लैंड किए वो फ्लाइट आपको यहाँ से आगरा पहुँचा देती है। तो चलिए मैं तो आज का हमारा जो एपिसोड है यहाँ पे समाप्त होता है, और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।